पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या से देश में हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला अपनी मौत की आशंका पहले ही जता चुके थे। इस समय उनके दो गाने द लास्ट राइड और 295 में लगेगी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ये संयोग ही है कि उनके टाइटल्स में ही उनकी मौत का अलर्ट था। 10 महीने पहले ही उन्होंने गीत 295 में लगेगी रिलीज किया। ये गीत पंजाब में हो रही पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की घटनाओं को लेकर था। इसके बोल कुछ इस तरह थे, सच बोलेगा तो 295 लगेगी। 29 तारीख और 5वां महीना यानी 29 मई को ही उनकी मौत होगी। दूसरे गाने का टाइटल सुने द लास्ट राइड, तो सिद्धू ने अपनी महिंद्रा थार में जिंदगी की लास्ट राइड की। आपको जानकर बड़ा खेद होगा कि द लास्ट राइड गाने को रिलीज हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं। इसे 1,03,00,000 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। गाने के बोल सिद्धू ने खुद लिखे थे। इसे सुनने में ऐसा लगता है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का पहले ही अंदाजा हो गया था। गाने में सिद्धू कह रहे हैं, जवान लड़के की आंखें सब कुछ कह रही हैं कि जवानी में ही जनाजा उठ जाएगा, मौत न जाने कब दस्तक दे दे। और उसके बाद सच में 29 मई को उनकी ड्राइव जिंदगी की द लास्ट राइड बनेगी। आखिर में आपको बता दे कि अपने आप में ये इस तरह का दूसरा मामला है। 19 साल पहले युवा पंजाबी गीतकार सुरजीत सिंह बिंद्रिखिया की मौत ने भी पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया था। जिस तरह सिद्धू ने 2 सप्ताह पहले द लास्ट राइड रिलीज किया था उसमें अपनी मौत का जिक्र कर दिया था, उसी तरह बिंद्रिखिया ने अपनी मौत से 1 दिन पहले एक गीत रिलीज किया था जिसके बोल थे, मैं तिड़के घड़े द पानी मैं कल तक नहीं रहना। और सच अगले दिन उन्होंने अंतिम सांस ली।